जहाँ आपने कहा कि कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हम होंगे, प्रेसिडेंट भी हमारा हो सकता है, हो सकता है व्हाई नॉट, ये डिस्कशंस भी हुई हैं इस कॉम्बो पे? ऐसी कोई डिस्कशंस नहीं हुई है, आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ, इसमें कोई हार्म नहीं है, देयर इज नो हार्म। चले अच्छा, ये मेरा एक सवाल है साहब आपसे, है सर, मैं शमीला साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, पंजाब ने अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, हमने सेंटर डिस्कस कर लिया है कि वहां पे चले जनाब ये अपोजिशन लेंगे, पंजाब में अपोजिशन किसकी होगी, वहां पे क्या सीन बनेगा, उसकी असेंबली में सबसे बड़ी सूबाई असेंबली होगी ये, और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश होगी इस तरह की पहले रही भी है कि वो हुकूमत का ही हिस्सा बने, क्योंकि उनके लोगों के भी काम होना, रिवाइवल करना है भाई, यानी इन इलेक्शन के अंदर ऊपर अपोजिशन, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं दुरुस्त नहीं कह रहा, 16 लोगों ने कौमी असम्बली की सीटों के लिए अप्लाई किया है पूरे पंजाब में से पीपल्स पार्टी के लिए, तो मतलब मेरे पास ज़राए के हवाले से, आई मीन इतना बड़ा सूबा जो कि फेडरल के अंदर हुकूमत बनाने के लिए और वहाँ पे इतने लोग आपके पास बचे हों, तो यू हैव टू, डिपेंड करता है, अगर एक तजर्बा इनका माजी में भी हुआ था ना, पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का कोलिशन का, अच्छा अब उसमें होगा ये कि राजा रियाज के कौन से काम रुके थे, राजा रियाज के भी कोई काम नहीं रुके थे, सही बात है, अगर आप अच्छी ऑपोजिशन है तो आपके काम हो जाते हैं, अगर पीएमएलएन का नंबर ऐसा आया जिसमें उसको कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़े पंजाब में भी, हां व्हाई नॉट द पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी को क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए मैदान में उतरे, आपकी जो पोजीशन होती है उसी की पोजीशन की बेसिस पे तो आप बार्गेन करेंगे ना, एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो उसका राइट है कि वो जाके कृषि कुलेशन को आपका जो चंक है ना, मुझे जो लगता है मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी पार्टियां हैं इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि पहले हमने अपोजिशन का मोर्चा छोड़ दिया था और पीटीआई वहां पे आ गई और उसने हम दोनों को तंग किया, पंजाब में तो पीटीआई लिहाजा हमने अब अपोजिशन वाला मोर्चा भी अपने पास ही रखना है और हुकूमती मोर्चा तो हमारे पास होगा ही होगा, तो मेरा मुझे ये लगता है कि ये दोनों के दरमियान किसी लेवल के ऊपर एक खामोश अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मालिक साहब आपने पीटीआई क्यों बोला अपोजिशन, ख्याल है कि वो देखिए हमारे यहाँ पे उनके नंबर्स इतने बड़े होंगे ही नहीं, उन्हें अच्छा। नहीं दिए जाएंगे कि वो कोई डिस्टर्ब कर सके, ठीक है, शोर होगा अच्छा होता है, रौनक लगी रहती है हाउस में, एक सेम्बलेंस होती है डेमोक्रेसी, अगर एसेंस में नहीं है कम से कम ऑप्टिक्स में तो हो, तो वो बड़ी मैनेजेबल है, और पंजाब के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है उसका नाम है पंजाब पुल्स, पंजाब पुलिस थी पंजाब पुल्स, तो अगर थोड़ा सा कोई ज्यादा लाइन से बाहर आए तो है ना, तो वो बिल्कुल है, असेंबली के अंदर भी खुशहाली होती है तो वो ठीक।